गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 66, एन ओल्ड वुमन्स विल, एक बूढ़ी महिला की वसीयत। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन, बहुत समय पहले एक बूढ़ी महिला रहती थी। एंड सी लिव्ड विथ हर थ्री डॉटर्स, और वो अपनी तीन बेटियों के साथ रहती थी। सी वॉज क्वाइट रिच एंड हैड 19 कैमल्स, वो थोड़ी अमीर थी और उसके पास 19 कैमल्स थे। वन डे सी फेल इल, द डॉक्टर्स कॉल्ड द डॉक्टर्स, द डॉक्टर ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट सेव द वुमन। एक दिन वो बूढ़ी महिला बीमार पड़ गई, बेटियों ने उनकी बेटियों ने डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर ने भी पूरी कोशिश की लेकिन उस महिला को नहीं बचा सके। आफ्टर हर डेथ द डॉक्टर्स रीड वॉट सी हैड रिटेन इन हर विल, उसकी मौत के बाद बेटियों ने वसीयत पढ़ा, विल पढ़ा कि उसने क्या लिखा है उस वसीयत में। तो उसने वसीयत में लिखा था, माय एल्डेस्ट डॉटर विल गेट हाफ ऑफ माय कैमल्स, माय सेकंड डॉटर विल गेट 1/4 ऑफ माय कैमल्स, एंड माय थर्ड डॉटर विल गेट 1/5 ऑफ माय कैमल्स। उसने अपनी वसीयत में लिखा था, मेरी सबसे बड़ी बेटी को मेरे पास जितने कैमल्स हैं उनका हाफ दे दिया जाए, मिलेगा। सेकेंड डॉटर को मेरे पास जितने कैमल्स हैं उसका 1/4 पार्ट दिया जाएगा, और थर्ड डॉटर को जितना कैमल्स था 19 कैमल उसका 1/5 पार्ट दिया जाना था। डॉटर्स वे रियली पजल्ड, उनकी जो बेटियां थी वो आश्चर्यचकित हो गई। हाउ कैन आई गेट हाफ ऑफ 19 कैमल्स, आस्क द एल्डेस्ट डॉटर। एल्डेस्ट डॉटर ने कहा कि मुझे 19 कैमल का हाफ कैसे मिल सकता है, हाफ ऑफ 19 इज 9.5, क्योंकि 19 का हाफ तो 9.5 होता है, 9 तो कैमल मिल जाएगा लेकिन हाफ कैमल कैसे मिलेगा। वी कांट कट द कैमल, हम लोग कैमल को काट तो नहीं सकते हैं, सेकेंड डॉटर से दूसरी बेटी ने कहा। दिस इज राइट बट वाट विल वी डू नाउ, आस्क द थर्ड डॉटर, तीसरी बेटी ने कहा ये तो सही है लेकिन अब हम लोग क्या करें। देखो कैसे होता है, क्यों ये लोग कंफ्यूज हैं, आश्चर्यचकित है। एल्डेस्ट डॉटर को दिया जाना था 19 का हाफ, और 19 का हाफ कितना होता है, नहीं कटता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 19/2 9.5 होता है। सेकेंड डॉटर को क्या मिलना था, 19 का 1/4 होता है, 19/4 इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4×3/4 होता है। और थर्ड डॉटर को मिलना था 19 का 1/5, तो 19/5 होता है, इसी को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3×4/5। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैमल इन दिस वे वॉज नॉट पॉसिबल, तो इस तरीके से कैमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल था ही नहीं। इसमें 9 दे देता, हाफ देने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है ना, काटना पड़ता ऊंट को, तो इसको भी 4 कैमल्स मिल जाते और बाकी 3/4 कैमल कैसे मिलेगा, इसको 3 कैमल्स मिल जाते, 4/5 कैमल्स कैसे मिलता। तो इसीलिए इस तरह से कैमल्स का बंटवारा संभव नहीं था। जस्ट देन दे सॉ देयर अंट कमिंग, तभी इन लोगों ने देखा उनकी अंट आ रही थी। डॉटर्स टोल्ड देयर प्रॉब्लम, डॉटर्स ने बेटियों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई। शो मी द व्हील, उसने कहा बूढ़ी महिला जो इनकी अंट थी, उसने कहा मुझे अपनी वो वसीयत दिखाओ। देखने के बाद वो कहती है आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, यू टेक माय कैमल, तुम मेरा एक ऊंट ले लो, सो यू हैव 20 कैमल्स, तो अब तुम्हारे पास 20 कैमल्स हो जाएंगे, नाउ यू कैन डिवाइड देम एज योर मदर्स वांटेड, अब तुम वैसे ही बांट सकते हो जैसे तुम्हारी माँ चाहती थी। तो अब देखो अब इनके पास कितने कैमल्स हो जाएंगे टोटल, पहले 19 था, 1 इसकी अंट ने दे दिया तो टोटल 20 कैमल हो गया। तो एल्डेस्ट डॉटर को कितना मिल जाएगा, तो 20 का हाफ कितना होता है, 10 कैमल्स। सेकेंड डॉटर को कितना मिलेगा, 20 का 1/4 कितना होता है, 5 कैमल्स। और थर्ड डॉटर को मिलना था 20 कैमल्स का 1/5, तो ये कितना होता है, 4 कैमल्स, तो टोटल 19 कैमल्स। तो तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल कितना होता है, 10, 5, 15 और 4, 19, और एक कैमल बच जाता है, और वो एक कैमल किसका होगा, अंट का, क्योंकि अंट ने उसे एक कैमल दिया था। तो इस तरह से इनका क्या होता है, बंटवारा हो जाता है। वही है आगे भी, देखो आगे बता रहा है
कि यू वांट हाफ ऑफ द कैमल्स, टेक 10 कैमल्स, शी सेड टू द एल्डेस्ट डॉटर। वो सबसे बड़ी बेटी से कहती है कि तुम्हें हाफ कैमल्स मिलना है, तुम 10 कैमल्स ले लो। 20 का हाफ होता है ना, 10 कैमल्स। टेक योर शेयर, द अंट टोल्ड टू द सेकेंड डॉटर। और दूसरी बेटी को कहती है कि तुम भी अपना हिस्सा ले लो। शी टुक 1/4 ऑफ द कैमल एंड गॉट डैश कैमल्स। तो दूसरी बेटी 1/4 कैमल ले लेती है। तो 1/4 कितना होता है, अभी निकाल के बताए हैं। 20 का 1/4 कितना होगा, 5 होगा। तो दूसरी डॉटर को 5 कैमल मिल जाता है। यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल, सी द अंट टोल्ड टू द थर्ड डॉटर। और तीसरी बेटी को कहती है अंट कि तुम 1/5 ऑफ द कैमल ले लो। तो 1/5 कितना होता है 20 का, 4 कैमल। सी गॉट 4 कैमल्स। डॉटर्स वेर वेरी हैप्पी, अब उनकी बेटियां बहुत खुश थी। और इन्होंने कैमल्स को काउंट किया तो 10, दूसरी बेटी को मिलेगा 5 और थर्ड डॉटर को मिलेगा 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 19। एंड द वन रिमेनिंग इज माइन, सेड द अंट एंड टुक हर कैमल अवे। और कहती है कि एक जो बच गया वो मेरा है, और वो लेकर चली जाती है। हाउ डिड दिस हैपन, डिस्कस, ये कैसे हुआ इसको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर वही चीज ये क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं, बताए हैं, एक्सप्लेन किया कि कैसे ये सब चीजें हुई। थैंक यू।